में देव दीपावली के मौके पर ये पूरी जगमगाहट आप देख रहे हैं। लाखों दियों से यहाँ के घाट जगमगा रहे हैं। भव्य देव दीपावली को देखने के लिए देश और विदेश से पर्यटकों की भारी भीड़ वाराणसी पहुंची है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ 70 देशों के राजदूत और उनके प्रतिनिधि इस खास आयोजन के गवाह बने। चीन की रहस्यमयी बीमारी पर भारत सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी कर दी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से पब्लिक हेल्थ सिस्टम को अपडेट करने के लिए कह दिया है। एडवाइजरी में कहा गया है कि अस्पतालों में बेड और स्टाफ की कमी बिल्कुल ना हो, जरूरी दवाएं और एंटीबायोटिक्स का स्टॉक रखा जाए, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मौजूद रहे, प्राथमिकता से ऑक्सीजन प्लांट की देखरेख हो, वेंटिलेटर्स की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, पीपीई किट और टेस्टिंग किट उपलब्ध रहे, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल की समीक्षा की जाए। WHO ने बीमारी की जांच के लिए चीन में हाल फिलहाल सभी तरह के वायरस की सूची मांगी है। WHO ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि बीमार लोगों से डिस्टेंस बनाकर रखी जाए, बीमार होने पर आइसोलेट हो जाएं, समय पर जरूरी टेस्ट कराए जाएं और मेडिकल हेल्प ली जाए। सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनने के लिए भी कहा गया। एडवाइजरी में हाथों को साफ करने की, हैंड हाइजीन की, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाने की बात कही गई। उत्तर भारत में ठंड को लेकर मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या कहता है? दिल्ली समेत उत्तर भारत में ठंड का असर साफ दिख रहा है। दिल्ली समेत NCR में मौसम विभाग ने हल्की बारिश की भविष्यवाणी की है। कुछ इलाकों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। इससे तापमान 2 से 3 डिग्री और गिर सकता है। इस दौरान दिल्ली, NCR, UP, हरियाणा और पंजाब में कोहरा और बढ़ सकता है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल में भारी बर्फबारी का अनुमान है। कश्मीर घाटी में शीतलहर की वजह से स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां दे दी गई। रेमंड ग्रुप के चेयरमैन गौतम सिंघानिया ने अपने स्टाफ और बोर्ड को बिजनेस स्टेबिलिटी का भरोसा दिया है। 13 नवंबर को उन्होंने अपनी पत्नी नवाज मोदी सिंघानिया से अलग होने की जानकारी दी थी। इसके बाद से बिजनेस स्टेबिलिटी को लेकर अनिश्चितता जताई जा रही थी। उन्होंने कहा कि मैं कंपनी और बिजनेस की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए प्रतिबद्ध हूं। मैं इस कठिन समय में आपको भरोसा दिलाता हूं कि रेमंड में सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा है। पिछले 9 कारोबारी दिनों से रेमंड ग्रुप के शेयरों में लगातार गिरावट हो रही है। रॉयल एनफील्ड ने गोवा में चल रहे GDP ग्रोथ के अनुमान को बढ़ाकर 6.4% कर दिया है। पहले ये 6% था। मजबूत डोमेस्टिक मांग के चलते भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान बढ़ाया गया है। हालांकि वित्तीय वर्ष 2025 के लिए GDP ग्रोथ के अनुमान को 6.9% से घटाकर 6.4% कर दिया गया है। S&P ग्लोबल को लगता है कि सेकंड हाफ में ग्रोथ धीमी हो सकती है, इसीलिए GDP अनुमान घटाया गया है।